गुड़गांव के बहुचर्चित गीतांजलि मर्डर केस में गिरफ्तार सिविल जज रवनीत गर्ग को आज पंचकुला कोर्ट में पेश किया गया और जहां कोर्ट ने पुलिस को रवनीत गर्ग की 5 दिन की रिमांड दे दी है। मामले की अगली सुनवाई अब 13 सितंबर को होगी। आपको बता दें कि कल ही सीबीआई ने कैथल के सिविल जज रवनीत गर्ग को गिरफ्तार किया था। ये पूरा मामला 17 जुलाई 2013 का है, जब गुड़गांव के सीजेएम रवनीत गर्ग की पत्नी गीतांजलि की संदिग्ध हालातों में मौत हुई थी। तब गीतांजलि के परिजनों ने रवनीत गर्ग और उनके परिवार पर दहेज की खातिर गीतांजलि की जान लेने के आरोप लगाए थे। कौन सा नहीं, कल सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया है, उनके हस्बैंड को, और उन्होंने आज पुलिस रिमांड के लिए एप्लीकेशन मूव की थी इधर पंचकुला मैजिस्ट्रेट के यहाँ सीबीआई के पास। पिछले 3-4 साल से जब से भी ये सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अब उन्होंने कहा कि हमें इनकी रिमांड, पुलिस रिमांड की जरूरत है क्योंकि इंटेरोगेशन करना है। तो उस पर आर्ग्यूमेंट हुआ था, कोर्ट ने पुलिस सीबीआई को 5 दिन का उनका पुलिस रिमांड दिया दे दिया। हाँ, और 13th को अब वो उनको पेश करेंगे।